इंसान के झूठ का पता लगाने या सच का पता लगाने के लिए कोई मशीन ईजाद नहीं हुई है कि दिल पर लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इंसान का पता लगाने के लिए अल्लाह ताला ने हालात पैदा किए, अल्लाह ताला देखे भी आजमाता है और अल्लाह ताला छीन के भी आजमाता है। अल्लाह ताला ने मुस्तफा कमाल को 19 साल पहले एमपीए बना दिया, अल्लाह ताला ने मुस्तफा कमाल को 18 साल पहले वजारत दे दी, वजीर बना दिया। अल्लाह ताला ने मुस्तफा कमाल को 16 साल पहले कराची का मेयर बना दिया। अल्लाह ताला ने मुस्तफा कमाल को 9 साल पहले पाकिस्तान का सेनेटर बना दिया। मैं वजीर बन चुका, मैं एमपीए बन चुका, मैं सेनेटर बन चुका, मैं मेयर बन चुका। ये एमएनए की सीट मेरे लिए कोई चार्म नहीं रखती, यहां पर मसाइल नहीं होते तो मैं यहां नहीं आता। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। अल्लाह ने मुझे डकैती करने का मौका दिया, 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 30 हजार करोड़। आज 30 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 11 साल हो गए मुझे उस जगह को छोड़े हुए। इसी शहर में मैं घूमता हूं, आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर कोई 3 रुपए भी 1 रुपए भी चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। बगैर किसी टाइम पर मरेगा, वोट लेने के बाद किसी टाइम पर मेरे मरेगा, मरने के बाद उसका गोल उसके कब्र में नहीं जाएगा। इस शहर ने लाखों लोगों को 40 सालों में मरते हुए देखा है। हमने अल्लाह ने हमसे ये काम लिया कि आज सोलाम गोल पर मैं मुस्तफा कमाल जाकर सिर्फ पख्तूनों का जलसा करके आता है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी पख्तूनों की तादाद है। आज मैं बलोचिस्तान में जाकर बड़े गोल पख्तूनों का 19 मार्च उसी 19 मार्च को जाकर अभी वो शाम जलसा करके आता हूं। आज लिया सुनता ही नहीं, रब की मर्जी के बगैर वो कह रहा है कि एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता। खुदा की कसम मुस्तफा कमाल जैसे एक करोड़ भी यहां पर आकर खड़े हो जाओ, रब नहीं चाहे तुम्हारे घर में पानी आए, मुस्तफा कमाल पानी नहीं ला सकता। पानी कोई वजीर आजम नहीं दे सकता, कोई एमपीए नहीं दे सकता, अल्लाह दे सकता है। अल्लाह चाहे तो इस वजीर आजम से काम ले ले, अल्लाह नहीं चाहे तो किसी से भी काम ले ले, अल्लाह नहीं चाहेगा तो पानी नहीं आएगा, तो ये रब देगा। रब क्यों नहीं दे रहा? हर एक इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक हालात और खराब हो जाते हैं। पिछले इलेक्शन में जो मसाइल थे, ये इलेक्शन आते आते और मसाइल बढ़ गए, तो ये तो पहले हमने पीछे पहले वादे सुने तो पे हमने। हर 70 सालों में एक इलेक्शन के बाद अगला इलेक्शन आता है, मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़ जाते हैं। कि देखो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की भी मदद सिर्फ नमाजें पढ़ने से नहीं की, सिर्फ पहाड़ों पर बैठकर चूल्हा काटने से नहीं की, वो जाकर खड़ा किया उनको जम के आगे। मूसा अलैहिस्सलाम गए, हारून अलैहिस्सलाम गए, फिरौन के आगे जाकर खड़े हुए, जाकर उसको पैगाम दिया। और फिर उस मूसा अलैहिस्सलाम उस हारून अलैहिस्सलाम के पीछे फिर जब कुछ लोग खड़े होने वाले हुए, अल्लाह ने वाकया जो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में 70,000 से ज्यादा जादूगर लगभग फिरौन ने बुलाए थे, जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के दिए हुए करामात देखे, सारे जादूगर सजदे में पड़ गए मूसा अलैहिस्सलाम के रब के आगे। फिर मैं देखता हूं हम गटर के पानी के ऊपर पत्थर रखकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे मस्जिद में, ऐसे पांचों पाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे आ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज ही है, लेकिन जिसकी वजह से वो गटर बह रहा है उसकी भी तकलीफ नहीं हो रही। तो ये कौन है जो इसका जिम्मेदार है? हम अल्लाह के पास 5 वक्त आ रहे जा रहे हैं, लेकिन माशरे में होने वाले पुलिस बुराई के ऊपर हमारे दिलों में तकलीफ नहीं हो रही। ताकि कसम अगर रब राजी हो गया ना बंदिया काम वालों से, तुम्हें मुस्तफा कमाल की जरूरत नहीं है, किसी एमएनएमपी को मुस्तफा कमाल की जरूरत नहीं है, रब को तुम्हें पानी देने की किसी एमएनए की जरूरत नहीं है,
अरे वो तो वो है जो बच्चा रगड़े एड़ी रगड़े वो चश्मे फोड़ देता है, सदियों से चश्मे नहीं बन रहे, तो बलिया डाउन की लाइन के पाइप लाइनों में पानी नहीं भेज सकता। किसी मुस्तफा कमाल की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मुझे इस्तेमाल कर ले, मेरी दुनिया ठीक हो जाए, मेरी आखिरत ठीक हो। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह मुझे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो अगर मेरी बात समझ में आती है तो फिर वोट नहीं चाहिए। आपको जितना भी मजमा मेरी बात सुन रहा है सारे लोग, आज से आपको इस बात का करने वाला बनना, मुझे आपका वोट नहीं साथ चाहिए, आपकी कोशिश। और ये कोशिश जब तक नहीं करोगे आपकी मदद नहीं आएगी, तो ये कोशिश करके दिखाओ। आप सब लोग ये कोशिश करो कि अब से लेकर इलेक्शन तक आपने 50-50 कम से कम अपने घर से लेकर 50 लोगों के ऊपर आपने ये दावत देनी है, 50 लोगों को अपने जैसा अपने सुबह, और उन 50 लोगों की रखवाली करनी है, उन 50 लोगों से बहस करना है, उन 50 लोगों को सही और गलत की तमीज बतानी है, और उन 50 लोगों को अपना बनाकर इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पर हर आदमी 50 आदमी के साथ आए। आज से दावत को आपके हाथ में, एक आदमी के भी दिल को फेरने की ताकत नहीं है, किसी इंसान को अल्लाह ताला ने दिलों को फेरने की ताकत नहीं दी। अगर किसी इंसान को देता तो नबियों को सबसे पहले ये ताकत देता। उन्होंने इस्लाम ने 950 साल तक तबलीग की है, 80 से 84 बंदे अपना कर सके, अपना सगा बेटा अपना नहीं हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी अपनी नहीं हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब्बे सगे बाप अपने नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने ये ताकत दिलों को फेरने की ताकत अपने हाथ में रखी है। तो जब नबियों के पास ये ताकत नहीं थी तो उसको बतावा ये टेंशन क्यों ले कि मेरी कौन बात मान रहा है कौन बात नहीं मान रहा, मेरा ये काम नहीं है। तो आपको भी ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कौन आपकी बात मानेगा, कोई आपका काम, मेरा काम आवाज लगाना है, हमारा काम आवाज लगाना है, अल्लाह जिससे दिल में डालना चाहेगा डाल देगा, तो ये हमारा मसला नहीं। तो मेरे भाइयों ये कोशिश करो, देखो ये मेरा फॉर्मूला, ये कोशिश करो, ये कोशिश करोगे खुदा की कसम रब को पता नहीं मैं मुझे क्यों इधर रब ने इधर रब की मंशा के बगैर तो मेरे फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं हो सकते थे ना, तो ये क्यों ऐसा हुआ सारा, मुझे मेरा ये दिल कहता है कि आगे इस इलाके में अल्लाह ताला कुछ ऐसा करवाना चाहता है जिसमें हम रोशनी पूरे पाकिस्तान में उसकी रोशनी दिखाएं। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उस बलिया गांव को दिन और रात जाकर उसको इंसानों को रहने की अच्छी जगह बनाएंगे। अब देखो हर कौम हमारे यहां रह रहा है तो किसी एक कौम की भी बात नहीं है, सब लोगों को इंसाफ मिलेगा तो मेरा रब खुश होगा कि हम तफरीके से बाहर आ गए, हम जुबान की बुनियाद पर, हम एक अल्लाह की रसूल की उम्मत को न रंग नसल जुबान की बुनियाद पर हम तोड़ नहीं रहे तो अल्लाह उससे भी राजी होगा। तो सब लोग 50-50 लोगों को डायरेक्ट देने की कोशिश करने का वादा करते हैं, सब लोग सब कोशिश करेंगे यार, सब नहीं कर रहे हाथ उठा रहे, सब हाथ उठा रहे यार, कोशिश करने का तो वादा करो सारे। सुनो मैं दंगा नहीं, सुनो तुझे सब लोग कोशिश करें, सब 50-50 ये सब लोग कोशिश करें, और आपकी आसानी के लिए हमारे साथियों ने ये 50 लोगों का ना एक प्लेटफॉर्म बना दिया, 50 लोगों के नाम लिखने की जगह, उनके शराफती कार्ड लिखने की जगह का नंबर, उनका टेलीफोन नंबर लिखने की जगह, उनका एड्रेस लिखने की जगह, एक एक पर्चा मेरे साथियों से ले लो, इसमें 50 लोगों के इंदराज करने की जगह बनी हुई है, सब लोग एक एक पर्चे पे काम करें, अपने जो अपने घर से शुरू करो, हो सकता है आपके घर में भी शुरू करो, उनको कन्विंस करो। ऐसा करना इबादत है, यह आवाज लगाना इबादत है, सिर्फ वोट आके डाल देना यह कोशिश नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे तो फिर हम अल्लाह को, देखो भाई 50 लोगों से इतना अगर करोगे ना तो फिर तक तुम्हें 55 लोगों से बात करनी पड़े, 5 लोग हो सकता है तुम्हें ताने दें, 5 लोग हो सकता है तुम्हारे आगे उनके सवाल करें, अल्लाह को उससे हमें तकलीफ होगी। मैंने मेरे रब को ये तकलीफ दिखाने के थे, तेरी मखलूक की भलाई के लिए मैं सी बातें सुन रहा हूं, मैं इससे चुपके में सवाल सुन रहा हूं, मैं उफ नहीं कर रहा, मैं नाराज नहीं हो रहा, देख तू अब राजी हो जा, देख तेरी मखलूक की भलाई के लिए, तेरी मखलूक की फिक्र के लिए मैं इस आदमी की गलत बात सुन रहा हूं, देख मैं खामोश हूं। ये तकलीफ हमें रब को दिखानी है,
ये कोशिश कर लेंगे, मेरा ईमान है अल्लाह मदद भेजेगा, खुदा की कसम मेरा ईमान है। और अब इंतजार में होगा कि कुछ लोग तो कोशिश करें इन इम्तिहानात के ऊपर। तो रब को देखो, रब को मेरे बच्चों का पानी छीन कर उसको खुशी नहीं होती होगी। रब को मेरे बच्चों को अंधेरे में बगैर लाइट के रब में रखकर खुशी नहीं होती होगी। रब हमें इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत